हरियाणा के जींद और राजस्थान की रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज आएंगे। जींद सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला, बीजेपी के कृष्ण मिड्ढा और जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार के बीच कड़ी टक्कर है। हरियाणा की जींद विधानसभा सीट INLG के विधायक डॉक्टर हरिश्चंद मिड्ढा के निधन के बाद खाली हुई थी। जींद में उपचुनाव में 75% मतदान हुआ था। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के मरीजों की तादाद बढ़ी। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में स्वाइन फ्लू के मरीजों की तादाद बढ़ी। यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान ने अयोध्या मामले में सरकार की 67 एकड़ जमीन की मांग वाली सुप्रीम कोर्ट में अर्जी को जनता के साथ धोखा बताया। राजस्थान के झालावाड़ में पेट्रोल पंप पर तेल भरवाते वक्त एक गाड़ी में आग लगने पर 9 लोग झुलस गए। दिल्ली के एक शेल्टर होम में लड़कियों को बंधक बनाने की शिकायत मिलने पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश की मेरठ में एक महिला पर पति की हत्या करवाने का आरोप लगा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने पर 4 मजदूर घायल हो गए। दिल्ली के पास सोनीपत में स्टंट दिखाने के दौरान एक ट्रैक्टर पलट गया। उसे चला रहे आदमी ने कुछ ही देर पहले नया ट्रैक्टर खरीदा था, जिसके बाद स्टंट दिखाने के दौरान उसका ट्रैक्टर ही पलट गया। इससे पहले आदमी जब ट्रैक्टर लेकर अपने गांव पहुंचा तो लोगों ने उसे घेर लिया। लोगों के बीच जोश दिखाते हुए उसने अपना ट्रैक्टर गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया, लेकिन तभी ट्रैक्टर अचानक अपनी दाईं ओर पलट गया। हादसे के वक्त उसके 2 साथी भी ट्रैक्टर पर बैठे थे। ट्रैक्टर के पलटते ही वहां खड़े लोग मदद के लिए दौड़े। इस हादसे में ट्रैक्टर पर बैठे लोगों को हल्की चोटें आईं।